इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। आज हम ज़िला राजौरी से आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने तमाम हालात और वाकात आपके सामने रखे, इस वक्त हम ज़िला राजौरी में मौजूद हैं और हम अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि ये पीछे के ज़रा तमाम विजुअल आपको दिखाए कि किस तरह पार्किंग का मसला है और कितना बड़ा जाम है यहाँ पर और कितने हालात अगर हम देखें तो इस पेंडेमिक में भी अगर हम देखें तो कितने हालात जो है वो यहाँ पर किस तरह से कर रहे हैं। तो आप देखें कि पार्किंग जो है वो इस वक्त एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है लोगों के लिए। तो हमने ये मुनासिब जाना कि हम इस पर आप लोगों के सामने बात करते हैं कि आखिर पार्किंग की वजह क्या है। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आकिब वानी जी मौजूद हैं जो इस तमाम बात पर जो है वो बात करने के लिए तैयार है। आकिब जी, सबसे पहले खुशामदीद आपका कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो पार्किंग का एक इशू है यहाँ पर, हमने अपनी स्क्रीन में भी दिखाया पुलिस भी गाड़ियाँ उठा रही है लेकिन लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है या पार्किंग की कमी है। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये एक टाउन है और यहाँ पे म्यूनसिपल जो कमेटी है मेरे ख्याल में उसकी ये लापरवाही है कि टाउन की प्लानिंग में पार्किंग का कोई भी बंदोबस्त नहीं रखा गया है। आप देखें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 7-8 जो हमारी तहसील्स हैं उनसे लोग आते हैं अपने काम करने के लिए, कोई शॉपिंग करने आता है, कोई ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ पे बड़े ही अफसोस की बात है कि इस पूरी सिटी में कोई भी ऐसी पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है और लोगों को जब कोई जगह नहीं मिलती उन्हें मजबूर होकर सड़क पर ही अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं और उन बेचारों को थोड़ी ही देर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फ़ाइन भी थमा दिया जाता है कि उनकी गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन ले जाई जाती हैं जहाँ पर उन्हें फ़ाइन देकर रिलीज करवाई जाती है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो जब रोड पे आप गाड़ी पार्क करते हैं उससे पब्लिक इनकन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अब जो लोग हैं वो भी मजबूर हैं, जब दूसरा कोई अल्टरनेट ही नहीं है तो लोग बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाके अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे। ये एक बहुत ही अहम मसला है, इससे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस मैं समझता हूँ आती है लोगों को और इसको ज़ेरे गौर लाना चाहिए। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि पार्किंग की जो फैसिलिटी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे मुहैया करवाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, जब हमने बात की यहाँ के दुकानदारों से उनका ये साफ कहना था कि जब गाड़ियाँ लोग दुकानों के बाहर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जब उनकी बिक्री है वो भी कम हो जाती है, ग्राहक जो है वो बाइक जो पैदल चल रहा है वो नहीं आता है, लेकिन गाड़ी वाले गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन गाड़ी वाले गाड़ी कहाँ लगाएंगे वो एक मसला है। फ़ाइन तो ज़रूरी है, जब गलत पार्किंग होगी फ़ाइन तो ज़रूरी है, फ़ाइन भरना ही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर जो राजौरी सिटी है इसमें पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हमारे साथ आकिब वानी जी बात कर रहे हैं। आकिब जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पे कोई अल्टरनेट है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पार्किंग बन सकती है? जी, ये जो बेले का स्ट्रेच है अगर आप देखें ये जो डीब है उसके अपोजिट जो इलाका है बेला कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे काफ़ी जो स्टेट लैंड है वो वैकेंट है, उसको पार्किंग में कन्वर्ट करके ये जो समस्या है इसका हल निकाला जा सकता है। तो और भी जो काफ़ी कई जगह स्टेट लैंड वैकेंट है उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो आउटस्कर्ट्स में है या शहर के नज़दीक है वहाँ पर पार्किंग डेवलप की जा सकती है, या जो एयरफील्ड के पास है उसके खच्चर ग्राउंड के नाम से जो ग्राउंड जाना चाहता है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है पार्किंग के लिए। अगर वो डिफेंस से वैकेट करवाई जाए लैंड वो भी एज ए पार्किंग स्पेस इस्तेमाल की जाती है। अब ये काम उन लोगों का है जो इस वक्त इकतदार में है, जो ऑफिसर्स हैं यहाँ उनको ये प्लान बनाना है और इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे सोशल एक्टिविस्ट आकिब वानी जी को जिनका ये साफ कहना था कि पार्किंग जो है सबसे बड़ा मसला बना हुआ, अगर कोई बीमार है या अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस फंस जाती है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ, अगर एक एम्बुलेंस यहाँ फंस जाती है तो वो एम्बुलेंस निकलेगी कहाँ से, वो एक सोचने की बात है। कहीं ना कहीं लोग क्या आप जान देंगे या एम्बुलेंस को ये वेट करना है कि जो गाड़ी लगा के गया है वो पहले गाड़ी हटाएगा फिर उसके बाद जाके वो एम्बुलेंस गुजरेगी। तो हम ये तमाम हालात और वक़्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप बने रहें कश्मीर क्राउन के साथ, कैमरामैन इसरार के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन राजौरी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स।
हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तियाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहाँ पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर PWD रोड बारामूला। राबते के लिए डायल करें 7006049296 7006951006 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हम सफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फोन नंबर 9149494043 0194351 8181।